तो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू डू एसिड बेसज इन सॉल्ट चैप्टर सेकंड ऑफ क्लास टेंथ तो बेसिकली आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं कौन से सबस्टांस हैं जिनको हम एसिड्स बोल सकते हैं और हम एसिड्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं तो एसिड्स वो सब्सटेंस हैं जिसको हम अगर डिजोल्व करें वाटर में तो वो हमें एच पॉजिटिव या एच पॉजिटिव आयन देते हैं एसिड्स वो सब्सटेंस हैं जिनके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम हो जिसमें से हम किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं अगर हम एसिड वर्ड की बात करें तो जो एसिड वर्ड है वो लैटिन नेम है एसिडस वहाँ से डराइव किया गया है एसिडस का मतलब होता है सो टेस्ट तो हमारे पास जो एसिड्स हैं उनका टेस्ट सोर होता है वो खट्टे होते हैं जैसे हमारे पास लेमन जूस है विनेगर है ग्रेप जूस है ये सारे के सारे सो टेस्ट के सब्स्टान्स हैं तो ये सारे के सारे जो है, वो हैं वो एसिडिक हैं जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देते हैं ये कलरलेस होते हैं फिनॉल साथ और ये पिंक कलर शो करते हैं मिथाइल ऑरेंज के साथ तो ये सारे इंडिकेटर्स को हम यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि कोई सब्सटेंस जो हमें गिवन है वो एक कोई एसिड है या बेस है हमारे पास बहुत सारे सबस्टांस होते हैं जिनके अंदर एसिड होता है जो खट्टे होते हैं जैसे कर्ड हो गया टैमरिंड हो गया हमारे पास लेमन हो गया ये सारे के सारे सब्सटेंस जो हैं उनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है जो नेक्स्ट चीज़ हम करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड वो हम सबसे पहले करते हैं सोर्स वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं सेकेंड है, है बेसिसिटी वो कितने एच पॉजिटिव आयन दे सकते हैं थर्ड है हमारे पास आयोनाइजेशन जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है एसिड की वो कंसनट्रेशन के ऊपर बेस्ड है तो फर्स्ट हम करते हैं सोर्सेज के बारे में तो सोर्सेज के हिसाब से हमारे पास जो एसिड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं उसमें जो जो फर्स्ट टाइप है वो है वो ऑर्गेनिक एसिड एसिड ऐसे प्लांट और एनिमल में प्रेजेंट हैं उनको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं जो भी लिविंग बींग से हमें मिलते हैं जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है मिथनोइक एसिड का और एसिटिक एसिड का ये दोनों के दोनों जो एसिड्स हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं हमारे पास जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो हमें रॉक से मिनरल से मिलते हैं बेसिकली इसके एग्जाम्पल है हमारे पास एस सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच एन ओ थ्री नाइट्रिक एसिड और एच टू एस सो फोर जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं बेसिसिटी के हिसाब से हमारे पास मोनो बेसिक एसिड वो होते हैं जो एक हाइड्रोजन एटम देते हैं पर मॉलिक्यूल जैसे एस सी एल और अगर मैं एच एन ओ थ्री की बात करूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की बात करूँ तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक एच पॉजिटिव दे सकता है वैसे नाइट्रिक एसिड भी जो है हमारे पास एक एच पॉजिटिव आयन दे सकता है डायबेसिक एसिड्स वो होते हैं जिनके पास दो हाइड्रोजन आयन होते हैं पर मॉलिक्यूल जिसको वो लूज कर सकते हैं जैसे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड एसिड हो हो गया हो गया कार्बोनिक इन दोनों के पास दो एच पॉजिटिव होते हैं लूज करने के लिए नेक्स्ट हमारे पास ट्राइबेसिक एसिड ट्राइबेसिक एसिड वो होते हैं जो तीन एच पॉजिटिव आयन देते हैं जैसे हमारे पास हो गया फोस्फोरिक एसिड जो कि एच थ्री पीओ फोर है ये हमें तीन एच पॉजिटिव आयन जो है वो दे सकता है आयनाइजेशन की अगर मैं बात करूं

तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें से तीन या चार ही जो होंगे वो कंप्लीट डिसोसिएशन होगी उनमें बाकी सारे के सारे जो मॉलिक्यूल होंगे वो एज इट इज रह जाएंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड है कंसनट्रेशन के हिसाब से कंसनट्रेशन का मतलब है कि कितनी परसेंटेज है हमारे पास वाटर की एसिड के अंदर तो उसके हिसाब से हमने एसिड को दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जो फर्स्ट कैटेगरी है हमारे पास वो है कंसनट्रेटेड एसिड कंसनट्रेटेड एसिड वो होते हैं जिनके अंदर जो परसेंटेज है एसिड की वो रिलेटिवली हाई होती है एक्व सोल्यूशन में डाइल्यूट एसिड वो हैं जिनके अंदर जो कंसेंट्रेशन होती है एसिड की वो रिलेटिवली लो होती है एक्वे सोल्यूशन में तो एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास तीन टेस्ट ट्यूब दे रखी हैं उनमें से एक टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर है और जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है उसमें एक में एसिडिक सोल्यूशन और एक में बेसिक सोल्यूशन है हमें सिर्फ रेड लिटमस पेपर दिया है हमें आइडेंटिफाई करना है कि हर टेस्ट ट्यूब में क्या कंटेंट है तो बेसिक चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि अगर हमारा जो लिटमस पेपर है वो ब्लू हो जाता है रेड से तो इसका मतलब बेस है अगर उसमें कोई चेंज नहीं आएगा तो इसका मतलब आइर वो एसिडिक है या फिर वो न्यूट्रल है तो हम बेसिकली बेसिक सोल्यूशन को इजिली आइडेंटिफाई कर सकते सबसे पहले हम मार्क कर देंगे टेस्ट ट्यूब को ए बी सी फिर हम हर टेस्ट ट्यूब में से ड्रॉप बाय ड्रॉप मटेरियल लेंगे और उसको अपने लिटमस पेपर पे ड्रॉप करेंगे तो सबसे पहले ए टेस्ट ट्यूब में से ड्रॉप लिटमस पेपर पे डाली वैसे हमने बी और सी के साथ किया अब हमें यह पता चल जाएगा कि जिस भी केस में रेड लिटमस ब्लू टर्न किया वो हमारे पास बेसिक होगी तो बेसिकली तीन में से एक टेस्ट ट्यूब जो होगी वो रिमूव हो जाएगी जिसकी ड्रॉप ने रेड लिटमस को ब्लू टर्न कर दिया था अब जो दो रह गई हैं हमारे पास टेस्ट ट्यूब उसमें से आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा न्यूट्रल है हम क्या करेंगे बेसिक सोल्यूशन की एक ड्रॉप निकालेंगे और दोनों जो सोल्यूशन हमारे पास अनआइडेंटिफाइड सोल्यूशन है उनसे सेपरेट ड्रॉप्स निकाल के उन ड्रॉप में मिक्स करेंगे फिर हम चेक करेंगे अगर रेड लिटमस ब्लू टर्न कर गया यानी कि किन्हीं दो ड्रॉप का मिक्सचर अगर रेड लिटमस को ब्लू टर्न कर देता है तो इसका मतलब जो सोल्यूशन था वो न्यूट्रल था और अगर यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता कलर में तो जो सोल्यूशन था वो एसिडिक था क्योंकि जो एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन होते हैं वो मिलके न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को और इसलिए कोई भी चेंज नहीं आएगा हमारे रेड लिटमस पेपर के कलर में और इस तरह से हम लोग तीन डिफरेंट टाइप के सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करते हैं